सबों को मेरा नमस्कार। आज मैं सूचना के अधिकार अधिनियम नियमावली 2006 के तहत RTI फॉर्म प्रपत्र को नियम 3(1) के तहत कैसे भरेंगे इसकी चर्चा करना चाहता हूँ। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सेवा में लोक सूचना पदाधिकारी। जिस कार्यालय से हम लोगों को सूचना चाहिए उस कार्यालय का नाम, जैसे अगर अंचल कार्यालय से सूचना चाहिए तो अंचल कार्यालय का नाम दे देंगे, स्थान अंचल कार्यालय स्थान पिन कोड सहित लिख देंगे। फिर आवेदक अपना नाम लिखेंगे, एक नंबर में, दो नंबर में पूरा पता डिटेल पिन कोड सहित लिखेंगे, तीन नंबर में मांगी गई सूचना का ब्यौरा, जैसे हम लोगों को क्या सूचना चाहिए। मान के चलिए हम लोगों को अंचल कार्यालय में अभिलेख की छायाप्रति चाहिए, तो उसमें हम लोग लिख सकते हैं कि दाखिल खारिज वाद संख्या इतना के पूरे अभिलेख की छायाप्रति चाहिए, या किसी और वास्तविक पर्चा के बारे में अगर जानना चाहते हैं या इन्फॉर्मेशन के बारे में जानना, या किसी भी कागजात जो कागजात आप चाहते हैं उसका वर्णन कर देंगे, या कोई काम अगर अंचल कार्यालय में फंसा हुआ है, जैसे किसी का LPC नहीं बन रहा, इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है, दाखिल खारिज का नकल नहीं दिया जा रहा है या दाखिल खारिज नहीं किया जा रहा, तो उसमें बात संख्या दे के हम लोग लिख सकते हैं मैंने दिनांक इतना को अंचल कार्यालय में एक दाखिल खारिज हेतु या एक परिमार्जन हेतु या जिस भी व्यवस्था के अनुरूप आपने आवेदन दिया हो उसका वर्णन कर देंगे और इसका पूरा रिपोर्ट मांगेंगे। तो कैसे मांगेंगे, तो इसमें हम लोग दे सकते हैं कि मैं जानना चाहता हूं कि मेरे आवेदन पर की गई कार्रवाई का दैनिक रिपोर्ट दिया जाए। दैनिक रिपोर्ट का मतलब है कि यह आवेदन कब और किस अधिकारी के पास किस डेट में पहुंचा, इस दरमियान उसने क्या इस पर काम किया। दूसरे में दे देंगे उन अधिकारियों के नाम और पदनाम बताएं जिन पर उन पर कार्रवाई करनी थी लेकिन उन्होंने सौसमय उस पर कार्रवाई नहीं की है। तीन नंबर में दे देंगे ठीक से काम नहीं करने के कारण उन कर्मियों या कर्मचारियों या लोक सेवक के विरुद्ध क्या कार्रवाई उठाई जा सकती है। चार नंबर में दे देंगे उसी से संबंधित कि यह काम मेरा कब तक हो जाएगा, या जो भी आप जानना चाहते हैं पूछना चाहते हैं उसका वर्णन कर देंगे। फिर उसमें चार नंबर में लिखना पड़ता है कि मैं घोषित करता हूँ या करती हूँ कि मेरी पूरी जानकारी में मांगी गई सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8 एवं 9 के अंतर्गत मुक्त नहीं है, यह आपके विभाग या कार्यालय से संबंधित है। फिर पाँच नंबर में RTI के लिए जो शुल्क बिहार सरकार की तरफ से 10 रुपये का रखा गया है उसकी चर्चा करेंगे। शुल्क के रूप में आप 10 रुपये का भारतीय पोस्टल ऑर्डर दे सकते हैं, या 10 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट दे सकते हैं, या 10 रुपये का नॉन जुडिशियल स्टाम्प भी दे सकते हैं। अगर कार्यालय में आप सशरीर जाते हैं जमा करना तो वहाँ नगद भी आप 10 रुपया दे सकते हैं। एक महत्वपूर्ण बात यह है इसमें कि जो कोई गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवार हैं, गरीबी रेखा से जो नीचे के परिवार हैं उनको कोई शुल्क नहीं देना होगा, लेकिन उसका एक एविडेंस देना होगा, उसका साक्ष्य देना होगा। जैसे अगर गरीबी रेखा से नीचे का कोई कार्ड हो, राशन कार्ड वगैरह, तो उसकी छायाप्रति लगा देंगे और लिख देंगे मैं गरीबी रेखा से नीचे आता हूँ इसलिए मुझे निःशुल्क सूचना उपलब्ध कराया जाए।
इस तरह करके हम लोग भरेंगे। पोस्टल ऑर्डर के रूप में प्रायः मांग किया जाता है कार्यालय से, तो उसमें हम लोग भर देंगे कि मैं 10 रुपये शब्द में लिख देंगे रुपये का भारतीय पोस्टल ऑर्डर तिथि, जिस दिन को हम लोग आवेदन करेंगे उस तिथि का वर्णन करेंगे, रसीद संख्या, उस पोस्टल ऑर्डर में एक रसीद संख्या होता है, उसको भर देंगे से विभाग कार्यालय को भुगतान किया। इस तरह करते हुए हम लोग प्रपत्र को पूरा भरेंगे, उसके बाद अपना हस्ताक्षर कर देंगे, मोबाइल नंबर दे सकते हैं और अपना पूरा पता लिख देंगे और स्थान में जिस जिला प्रखंड या गांव से आप बिलोंग करते हैं उसका नाम लिख देंगे, उसके बाद डेट लिख देंगे। इसको पूरा भर चुके हैं हम लोग, इसमें अब 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर सटा करके इसको रजिस्ट्री डाक से आप उस कार्यालय को भेज सकते हैं या आप सशरीर भी कार्यालय में जाके जमा करवा सकते हैं। लेकिन प्रायः देखा गया है कि कार्यालय में लोक सूचना पदाधिकारी एवं कर्मचारियों या उसके लोक सेवकों द्वारा रिसीविंग नहीं दिया जाता है, जल्दी बता दिया जाता है आप डाक से द्वारा भेज दें। कई बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ, इसलिए अच्छा है कि आप डाक के द्वारा भेज दें कार्यालय को, उसकी रिसीविंग अपना रख लें। भविष्य में आपको स्वसमय यदि सूचना नहीं दी जाती है या गलत सूचना दी जाती या किसी तरह आप सूचना से असंतुष्ट हैं तो आप अपील के माध्यम से आगे जा सकते हैं। जय हिंद।